थॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और ये एमसीयू की अलग अलग मूवीज के अंदर अपनी पावर लेवल्स को शो भी कर चुका है। और इन्हीं में से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन्स को दिखाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर के कुछ ऐसे भी वर्जन्स हैं जिनकी पावर लेवल्स इतनी ज्यादा है कि वो अपने सिर्फ एक ही अटैक से गैलेक्सीज और इवन यूनिवर्स तक को खत्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थॉर के 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स की बात करेंगे और जानेंगे कि गॉड ऑफ थंडर थॉर लिटरली कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर के बहुत सारे वर्जन हैं। इसीलिए अगर इस वीडियो के अंदर हमसे थॉर का कोई पावरफुल वर्जन छूट जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 अल्टीमेट थॉर। तो अल्टीमेट थॉर अर्थ 1610 से बिलोंग करता है। इस यूनिवर्स के अंदर एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है थॉरलिफ कोल्डमैन। लेकिन एक दिन उसे ही रियलाइज होता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक नॉर्स गॉड का पुनर्जन्म है। पर जब वो इस बारे में सबको बताता है तो सभी उसे पागल समझते हैं। लेकिन आगे चलकर ये रिवील होता है कि थॉरलिफ कोल्डमैन सचमुच में थॉर का इनकार्नेशन है। इसके बाद इस थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर की तरह दिखने वाला एक हैमर भी मिलता है जिसके बाद ये अपने यूनिवर्स के एवेंजर्स को भी ज्वाइन करता है जिन्हें वहां द अल्टीमेट्स कहा जाता है। बात करें इस थॉर की पावर्स की तो इसके पास भी मेन यूनिवर्स के थॉर जैसी सारी पावर्स हैं। नंबर 9 जोम्बी थॉर। तो जोम्बी थॉर की स्टोरी अर्थ 2149 से बिलोंग करती है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसा यूनिवर्स है जहां सभी लोग जोम्बी बन जाते हैं। असल में इस यूनिवर्स के अंदर एक जोम्बी वायरस फैल जाता है और उस वायरस की चपेट में सभी सुपर हीरोज भी आने लगते हैं। और जब थॉर इन सबको रोकने के लिए आता है तब बाकी के जोम्बीज मिलकर थॉर को भी जोम्बी बना देते हैं। और जोम्बी बनते ही थॉर म्योनिर के लिए अपने वर्दीनेस को खो देता है जिसके बाद वो अपने लिए एक दूसरा हैमर बनाता है जो कि म्योनिर की तरह ही दिखता है। नंबर 8 वेनम थॉर। थॉर और वेनम इंडिविजुअली मार्वल यूनिवर्स के बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब इनकी पावर्स कई गुना तक बढ़ जाती है। तो वेनम थॉर बेसिकली अर्थ 1089 से बिलोंग करता है जिसे मार्वल के व्हाट इफ कॉमिक सीरीज में दिखाया गया है। इस स्टोरी लाइन के अंदर भी वेनम पहले स्पाइडरमैन से बॉन्ड होता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग होस्ट की तलाश में वेनम स्पाइडरमैन को छोड़कर हल्क से बॉन्ड हो जाता है। और जब वेनम को हल्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होस्ट दिखता है जो कि थॉर होता है तब वेनम हल्क को छोड़कर थॉर से बॉन्ड हो जाता है। बात करें वेनम थॉर की पावर्स की तो इस थॉर के पास वेनम और थॉर दोनों की पावर्स हैं और इसीलिए इसे हराना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। और कॉमिक्स के अंदर भी इस थॉर को हराने के लिए इनह्यूमंस के किंग ब्लैक बोल्ट को आना पड़ता है जिसके बाद ब्लैक बोल्ट वेनम को थॉर से अलग कर देता है। नंबर 7 थॉर एल। तो थॉर एल अमलगम यूनिवर्स का कैरेक्टर है जिसके अंदर थॉर और सुपरमैन का एक कंबाइंड वर्जन होता है। असल में अमलगम यूनिवर्स मार्वल और डीसी कॉमिक्स की एक ऐसी कॉमिक सीरीज है जिसमें इन दोनों ने ही अपने कैरेक्टर्स को एक साथ मर्ज करके दिखाया है। थॉर एल के बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो नहीं है लेकिन हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि इस कैरेक्टर के पास अर्थ 161 के थॉर और न्यू अर्थ के सुपरमैन जैसी सारी पावर्स हैं। साथ ही ये थॉर पूरा ब्लू कलर का है और इसके चेस्ट पर थॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा सा टीपी बना हुआ है। वैसे तो थॉर का ये वर्जन भी बहुत पावरफुल है लेकिन क्योंकि ना तो हमें इसकी ट्रू स्ट्रेंथ पता है और ना ही कॉमिक्स के अंदर इसके फीट्स को शो किया गया है इसी वजह से ये हमारी लिस्ट के अंदर 7th नंबर पर। नंबर 6 एमसीयू थॉर। गॉड ऑफ थंडर थॉर का नाम एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में आता है। थॉर ओडिनसन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो फ्रॉस्ट जायंट्स और डार्क एल्फ्स जैसे खतरनाक बींग्स को बड़े आराम से संभाल सकता है। एमसीयू का थॉर म्योनिर के लिए भी वर्दी है और स्टॉर्म ब्रेकर नाम के एक पावरफुल वेपन को भी होल्ड करता है जिसकी हेल्प से थॉर बायफ्रॉस्ट समन करके यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। थॉर एमसीयू के अंदर हल्क आयरन मैन और हेला जैसे पावरफुल कैरेक्टर से भी फाइट कर चुका है और थैनोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर से भी सीधी टक्कर ले चुका है। और पूरे एमसीयू में वो थॉर ही था जिसने थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी ओवरपावर कर दिया था। और बात करें थॉर की ड्यूरेबिलिटी की तो हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थॉर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल एनर्जी को भी झेल चुका है। पर अब इसके भी ऊपर थॉर लव एंड थंडर के अंदर हमें थॉर की और भी ज्यादा पावरफुल फीट्स दिखने वाली है और इसी मूवी के अंदर वो अपने सबसे पावरफुल विलन्स में से एक यानी गॉड द गॉड बुचर का भी सामना करने वाला है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का थॉर तो बहुत पावरफुल है ही लेकिन जिन थॉर्स की बात हम आगे करने वाले हैं वो सभी थॉर हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 5 नेक्रो किंग थॉर। तो नेक्रो किंग थॉर म्योनिर के साथ साथ नेक्रो सॉर्ड भी कैरी करता है और इसीलिए इसे नेक्रो किंग थॉर कहा जाता है। नेक्रो सॉर्ड गॉर द गॉड बुचर का वेपन था जो उसे मिला था सिम्बियोट्स के गॉड नल से और इसी नेक्रो सॉर्ड से गॉर ने अनगिनत गॉड्स को मार दिया था। लेकिन जब ये पावरफुल वेपन नेक्रो सॉर्ड थॉर को मिला तब उसके बाद थॉर इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि उसने गैलेक्टस तक को मार दिया था और इस थॉर की इन्हीं सारी फीट्स की वजह से ये इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है।
नंबर 4 ओल्ड किंग थॉर। ओल्ड किंग थॉर थॉर का फ्यूचर वर्जन है जो कि आज से हजारों साल आगे फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। गॉड ऑफ थंडर थॉर जैसे जैसे एज में बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी पावर्स भी बढ़ती चली जाती है और इसी वजह से ओल्ड किंग थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है और पावरफुल होने के साथ साथ ओल्ड किंग थॉर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है क्योंकि इस थॉर के पास बहुत से विलन से लड़ने और उन्हें हराने का एक्सपीरियंस है। बात करें ओल्ड किंग थॉर की पावर्स की तो उसकी बेसिक पावर्स हैं गॉड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, डिस्ट्रॉयर हैंड और फ्लाइट एबिलिटी। साथ ही ओल्ड किंग थॉर भी म्योनिर होल्ड करता है और इसके पास थॉर फोर्स भी है। थॉर फोर्स बेसिकली ओडिन फोर्स ही है जो कि ओडिन की डेथ के बाद थॉर को मिलती है जिसके बाद इसे थॉर फोर्स कहा जाता है। ओल्ड किंग थॉर ने मेन टाइमलाइन थॉर के साथ मिलकर गौर द गॉड बुचर को भी डिफीट किया है और गौर के ऊपर तो ओल्ड किंग थॉर ने अपने थॉर फोर्स से इतना जोरदार अटैक किया था कि गौर इस पावर को देखकर बुरी तरह डर गया था। ओल्ड किंग थॉर ने प्लेनेट अर्थ को फिर से जिंदा भी कर रखा है और सिर्फ यही नहीं बल्कि ओल्ड किंग थॉर गैलेक्टस से भी फाइट कर चुका है। और बात करें ओल्ड किंग थॉर की ड्यूरेबिलिटी की तो ओल्ड किंग थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि गैलेक्टस के साथ फाइट के दौरान जब गैलेक्टस ने थॉर को पंच मारा था तब थॉर सीधा चांद पर जाकर गिरा था और थॉर के गिरने की वजह से चांद पूरी तरह टूट चुका था लेकिन ओल्ड किंग थॉर को कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 3 कॉस्मिक किंग थॉर। कॉस्मिक किंग थॉर थॉर का वो वर्जन है जिसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब थॉर एस्गार्ड को रूल कर रहा होता है लेकिन तभी एक दिन अचानक से एस्गार्ड पर गैलेक्टस आकर गिरता है। गैलेक्टस थॉर को बताता है कि ब्लैक विंटर आ रहा है। ब्लैक विंटर एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि जहां से भी गुजरता है वहां का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ब्लैक विंटर बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसने गैलेक्टस को भी बनाया था और इसीलिए गैलेक्टस ये बात जानता था कि वो अकेले ब्लैक विंटर को नहीं रोक सकता, इसीलिए वो ब्लैक विंटर को रोकने के लिए थॉर की हेल्प मांगता है जिसके बाद थॉर गैलेक्टस से कॉस्मिक पावर्स को अब्सॉर्ब करता है और बनता है कॉस्मिक किंग थॉर। बात करें कॉस्मिक किंग थॉर की पावर्स की तो कॉस्मिक पावर्स की वजह से थॉर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि उसके एक ही चाटे से बीटा रे बिल सीधा स्पेस से एक प्लेनेट पर जाकर गिरा था और बीटा रे बिल के गिरने का फोर्स इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से वो पूरा प्लेनेट ही तबाह हो गया था। कॉस्मिक किंग थॉर एशियंट गॉड्स की पावर्स को भी समन कर सकता है और गॉड ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। इनके अलावा कॉस्मिक किंग थॉर अपने सिर्फ एक ही अटैक से गैलेक्टस के आर्मर को भी तोड़ चुका है और आगे चलकर थॉर का यही वर्जन ब्लैक विंटर को भी मार देता है। नंबर 2 फीनिक्स किंग थॉर। तो फीनिक्स किंग थॉर ओल्ड किंग थॉर और फीनिक्स फोर्स का कंबाइंड वर्जन है जिसके पास थॉर की पावर्स के साथ साथ फीनिक्स की भी पावर्स हैं। फीनिक्स फोर्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है और इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये कुछ भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकती है। बिलियंस ऑफ ईयर्स फ्यूचर में जब यूनिवर्स खत्म हो रहा था तब ओल्ड किंग थॉर वुल्वरीन से मिलता है जो उस वक्त पर फीनिक्स फोर्स का होस्ट होता है, पर उस वक्त तक वुल्वरीन बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। ओल्ड किंग थॉर और वुल्वरीन एक दूसरे को देखकर फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे से फाइट करते करते वो दोनों अर्थ कर गिरते हैं जिसके बाद उनके पास डॉक्टर डूम आ जाता है। डॉक्टर डूम भी उस वक्त पर अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में होता है क्योंकि उस वक्त पर उसके पास सॉर्सरर सुप्रीम, आयरन फिस्ट, स्टार ब्रैंड और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की भी पावर्स होती है जिस वजह से उसकी पावर लेवल्स लिमिटलेस होती है और इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से डॉक्टर डूम वुल्वरीन को मार देता है। लेकिन मरने से पहले वुल्वरीन फीनिक्स फोर्स को म्योनिर के अंदर डाल देता है जिसके बाद थॉर जैसे ही म्योनिर को समन करता है वैसे ही फीनिक्स फोर्स थॉर से जुड़ जाती है और थॉर बनता है फीनिक्स किंग थॉर। नंबर 1 रियोन किंग थॉर। तो जब एस्गार्ड पर रैग्नारोक आने वाला था तब उसे रोकने और सबको बचाने के लिए थॉर अपनी दोनों आंखों को सैक्रिफाइस कर देता है और खुद को फांसी लगाकर खुद की जान ले लेता है जिसके बाद थॉर की सोल ओडिन के सोल से मिलती है और थॉर को रियोन पावर का एक्सेस मिल जाता है जिसके बाद थॉर बनता है रियोन किंग थॉर। रियोन किंग थॉर एक ओमनीपोटेंट बीइंग है और इसकी पावर लेवल्स भी लिमिटलेस है। बात करें रियोन किंग थॉर की पावर्स की तो उसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, रिजरेक्शन और रियलिटी रैपिंग जैसी सारी पावर्स हैं। रियोन किंग थॉर एक ही वक्त पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकता है और अगर ये चाहे तो स्टोन से बने स्टैचूज को भी जिंदा कर सकता है। रियोन किंग थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सिर्फ सोचने भर से यूनिवर्स के किसी भी बीइंग के एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है और साथ ही थॉर के इसी वर्जन ने एस्गार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स यानी कि शैडो गॉड्स को भी बीट किया है। रियोन किंग थॉर ने अब तक जितने भी विलन्स का सामना किया है उन सभी को इसने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया है, पर इसके भी ऊपर रियोन किंग थॉर की लिमिटलेस पावर्स इतनी ज्यादा है कि अभी तक उसके ट्रू पोटेंशियल को शो ही नहीं किया गया है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से रियोन किंग थॉर थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है। तो यही थॉर के 10 सबसे पावरफुल वर्जन थे। थॉर खुद जितना ज्यादा पावरफुल है उसके विलन्स भी उतने ही ज्यादा पावरफुल है और थॉर के उन्हीं पावरफुल विलन्स में से एक है गॉर द गॉड बुचर और ये गॉर द गॉड बुचर थॉर लव एंड थंडर के अंदर थॉर का मेन विलन होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप लोग इस पावरफुल विलन की कंप्लीट ओरिजिन जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट्स में रिस्पांस अच्छा आया तो हम गॉर द गॉड बुचर की ओरिजिन पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।